नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरण भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कर्नाटक में मोदी का झोला पैक करके उसके कंधे पर टांग दिया कि भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। मैंने कर्नाटक के चुनाव से पहले भी कहा था कि कोई माइक का लाल बीजेपी को बचा नहीं सकता, और आज भी लिख लो 2024 होगा और मोदी का लंबी तनी का झोला होगा। अब बजरंग बली को लेकर जो मोदी जी ने बयान दिया था, क्या लग रहा है वो सब काम नहीं आया? अरे यो बजरंग बली का ही तो है, आज चढ़ा तो दी ढैया। अरे नड्डा अड्डा कौन हो, नड्डा अड्डा को आया था वो मिला ही नहीं झोला लेकर। और अरे काउंटडाउन शुरू हो गया क्या? अब देखिए 2024 के अंदर ये आज लिख लो। मैंने कर्नाटक के चुनाव से पहले भी कहा था कि कोई माइक का लाल बीजेपी को बचा नहीं सकता, कर्नाटक में बीजेपी हारेगी, चुनाव से पहले बता दिया था। और आज भी लिख लो 2024 होगा और मोदी का लंबी तनी का झोला होगा। प्रधानमंत्री कौन होगा यार? जनता के पीछे आएगा, जनता का। ताँ, ताँ, सुनिए, बहुत नेता है प्रधानमंत्री बनने के लिए, और जब प्रधानमंत्री का नंबर आएगा, जब प्रधानमंत्री का देखेंगे, पहले तो झोला पैक करके कंधे पे लाद के गुजरात भेजना है। अच्छा, अब कांग्रेस जीत गई, अब ईवीएम पे सवाल नहीं उठेगा है ना? खूब उठेगा, हमने थोड़ी ना ईवीएम गाड़ियों में पकड़ी ना है, बीजेपी वालों की पकड़ी ना, धड़ाधड़ मारी घेर के सड़कों पे। तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली क्या? आज कांग्रेस ऑफिस में दिखाई दे रहे हो? मैं तो सारी पार्टी ज्वाइन कर ली, सारी। बीजेपी वालों के यहाँ भी जाते हो क्या? बीजेपी वालों के देखिए, कुत्तों के यहाँ मैं नहीं जाता। कहा जा रहा है जहाँ जो जीत जाता था वहीं पहुँच जाते थे, अब तक। अब कांग्रेस दफ्तर पहली बार दिखाई दिया है। हाँ, आज पहली बार आया हूँ, मैंने दफ्तर अभी भीतर बढ़ के भी ना देखा, तम जैसो नहीं है घेर लिया, मतलब जहाँ जाऊँ तम जैसे देखा नहीं ना देते कुछ। आप ऐसे बयान दोगे जेल हो जाएगी ताऊ। किसके? अरे आना फ्री जाना फ्री, जिस दिन से सरकार पकड़ ले खाना फ्री। मोदी कहते हैं कांग्रेस का मतलब लूट है, लूट। और मोदी का मतलब देश, देश लूट, देश की छूट। मोदी का मतलब देश लूट और लूट, और यहाँ से विदेश में फूट। तो बजरंग बली को लेकर जो मोदी जी ने बयान दिया था, क्या लग रहा है वो सब काम नहीं आया? अरे यो बजरंग बली का ही तो है, आज चढ़ा तो दी ढैया। बजरंग बली ने जो जिताया मोदी पे, ढैया चढ़ गई ना आज, आज बजरंग बली का ही दिन है। तो क्या लग रहा है आज के जो पूरे नतीजे आए हैं, इसके पीछे आपको क्या क्या कहां बीजेपी से गलती हुई? जब भ्रष्टाचार करोगे, जनता से झूठ बोलोगे, जनता से किए हुए वादे पूरे नहीं करोगे, तो जनता जूता लेके मारेगी, जैसे कर्नाटक में मारा ऐसे ही मारेगी। 137 के करीब सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, अभी और हो जाएगी, और हो जाएगी, और हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है मोदी जी की हार मानते हैं या नड्डा जी की? अरे नड्डा अड्डा कौन हो वे? वहाँ रोड शो कौन कर रहा था? वहाँ रैली कौन कर रहा था? हार है मोदी नहीं, नड्डा की हार है ये। ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। मोदी हारा है, मोदी, मोदी की हार, मोदी की हार। मोदी गया, बहरूपिये का रूप गया, खत्म। तो 24 में क्या असर पड़ेगा अब इसका? 24 में क्या असर? 24 में, 24 में झोला भर रख रखा मैंने, गैल टांग दूंगा इसके कंधे पे। तो आज ताऊ बड़े खुश दिखाई दे रहे कि भाई कांग्रेस जीत, जब जनता जीतती है तो ताऊ खुश होता है। जनता जीती है, जनता जीत गई ताऊ। तो ताऊ वहाँ पे जो 64 सीटों पर बीजेपी जीती है, उसमें भी तो जनता ही जीती होगी। तो चला जा, तू तू चला जा उनमें। कंगना, कंगना रनौत कह रही है कि जो मोदी के खिलाफ है, वो मोदी की बात नहीं मानता, वो आतंकवादी है। चलो हम तो सारे, अरे हम पे तो टैग है, हम पे तो मोदी का सर्टिफिकेट है, आतंकवादी हम, खालिस्तानी हम, टुकड़े टुकड़े गैंग हम, माओवादी हम, नक्सली हम, मवाली हम, भेड़िए हम, आंदोलन जीवी हम, और एक वो मोदी ने भी और दिया था परजीवी हम। तो हम पे तो 13 महीने का सर्टिफिकेट है। क्या कंगना सही कह रहे हैं? हमारे साथ पूरा देश है, टुकड़े टुकड़े गैंग भी है, सब है, सब है हमारे साथ। बता क्या करे, कंगना रनौत की बात का समर्थन और डूब के मर जाना चाहिए गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को कि भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग आ कैसे गया। लेकिन सर बेटी बता रहे केरला फिल्म आ गई है, केरला फिल्म आई है, बेटी बचा रही है वो। अब बेटी तो उस पर बैठी जंतर मंतर पर, उसको भी तो बचा, किसकी है वो? हिंदू धर्म के ठेकेदार,
मैम आज आप यहाँ पर आए हैं और आज जो है कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है, 137 सीटों पर आगे चल रही है, कैसे आप देख रहे हैं इस जीत को, आप कैसे देख रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी की जीत के साथ साथ कर्नाटका की जनता की जीत है, उनके मुद्दों की जीत है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़ा है, नंदिनी पर लड़ा है, जो कर्नाटका की शान, कर्नाटका की प्राइड है, कर्नाटका के लोगों को, यूथ, बेरोजगार युवा के नौकरियों के जो 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी, उन पर हमने ये मुद्दा को चुनाव को रखा है हमने। और ये 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 जीत कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कर्नाटका के एक एक व्यक्ति की जीत है, और साथ साथ ये देश में जो हमेशा से राहुल गांधी जी ने संदेश दिया मोहब्बत का, प्यार का, सौहार्द का, भाईचारे का, उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी चुनाव को जो है हिंदू मुस्लिम कराने में, चुनाव को मुद्दों से डाइवर्ट करने में, लेकिन आखिरकार आखिरकार जनता की जीत हुई, जनता के मुद्दों की जीत हुई, और कर्नाटक ने पूरे देश को एक संदेश दिया है कि हम हमारे मुद्दों पर लड़ते रहेंगे, हमारे लिए नौकरियां, महंगाई, बेरोजगारी हमारे मुद्दे हैं, हम भटकने वाले नहीं हैं, हम मोहब्बत और प्यार को तरजीह देते हैं, और हम भाईचारे के साथ यहीं अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। हिजाब की बात करती रही और जिस तरीके से बजरंग बली को लेकर उन्होंने मुद्दा बनाया कि आपको जो है हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश की, तो आपको लग रहा है उन सारे मुद्दों को नकार दिया है सांप्रदायिकता? बिल्कुल बिल्कुल, कर्नाटक की जनता ने, मैंने जैसा आपसे कहा, कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया है कि हमारे लिए हमारे मुद्दे अहम है, हमारे लिए ये नफरत की राजनीति को सिरे से कर्नाटक की जनता ने नकार दिया, और मैंने जैसा कहा संदेश दिया है पूरे देश में, पूरे देश में संदेश दिया है कि राहुल जी की मोहब्बत की दुकानों के साथ हम हैं और फ्रेंचाइजीज हमने खोल दिए। ये लड़ाई पहले तो कांग्रेस बनाम बीजेपी थी, ये बजरंग बली बनाम बीजेपी हो गई। जो बजरंग बली का अपमान करना चाहते थे उनको बजरंग बली ने जबरदस्त तरीके से जो है सजा दी है, कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया है, और ये जो जो जीत का जश्न है, खुशी की जो लहर है, ये रुकने वाली नहीं है। 2024 में ये हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में आपको इसी तरीके से ये लहर दिखाई देगी, खुशी का जश्न बनाता हुआ दिखाई देगा, और 2024 में भारत पूरी तरीके से जुड़ जाएगा। आप मानते हैं मोदी जी की हार हुई है? कर्नाटक में कांग्रेस की जीत मोदी जी की जबरदस्त हार है। मोदी जी को शीशे के सामने खड़े होकर के अपना चेहरा देखना चाहिए कि वन मैन आर्मी, वन मैन शो, नफरती एजेंडा इस हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं। और बीजेपी और कांग्रेस में यही अंतर है, वहाँ सिर्फ एक ही एक है सर्वेसर्वा। यहाँ कांग्रेस में सीनियर लीडर जितना महत्व रखता है उतना ही एक सामान्य कार्यकर्ता भी महत्व रखता है। हजारों हजार कांग्रेस कार्यकर्ता जो कर्नाटक में लगातार मौजूद थे, उनके दुख दर्द तकलीफ में खड़े थे, उनकी बात को सुन रहे थे। इसीलिए सीएम कौन बनेगा? सीएम कौन बनेगा? हमारे विधायक चुने हैं जनता ने, विधायक दल बैठेगा और अपना सीएम चुन लेगा, उसमें क्यों जाना, आप खुशी का जश्न मनाइए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।